इंडियन रेलवे के अंदर ना कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनके नंबर बड़े यूनिक है, जैसे कि 2222 मतलब 5 बार 2, जो कि सीआर राजधानी है, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रेन है जिसका नंबर है 12345, जो कि है सरायघाट एक्सप्रेस। गुवाहाटी आते हैं तो यहाँ आप स्टे जो है कर सकते हैं जरूर से, बहुत ही बढ़िया स्टे हो सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आजकल अमेजोन के सारे पार्सल भी यहीं जाते हैं, हालत ख़राब कर रखी है इनकी इन्होंने। ये देखिए सारा अमेजोन का पार्सल जो है, अमेजोन जो है आजकल इंडियन रेलवे यूज़ कर रहा है, देखिए। चलिए दोस्तों, 12:15 हो चुके हैं, ट्रेन के निकलने का बिल्कुल टाइम हो गया है, निकलते हैं गुवाहाटी से, दिखाते हैं आपको गुवाहाटी की गलियां और फिर दिखाएंगे आपको कामाख्या का अराइवल। ट्रेन के अंदर पेंट्री कार अवेलेबल है, तो हमने कुछ पानी वगैरह ऐसा खाना वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, वो सब हम लोग अंदर ही लेंगे ट्रेन के, क्योंकि जब पेंट्री है तो क्या फ़ायदा खामाखा चीज़ें ढो करके। और वैसे भी खाने का एक्सपीरियंस हमारा रेलवे स्टेशन पर कुछ खास अच्छा रहा नहीं इसलिए, और अपनी आँखों से देख करके गंदा खाना नहीं खरीदना चाहते हम। तो दोस्तों 12:20 में ट्रेन जो है निकल ली है गुवाहाटी से, अगला स्टेशन कामाख्या। और मैं आपको गुवाहाटी स्टेशन थोड़ा समझाता हुआ भी चलता हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल वगैरह है, बाकी जो जितनी भी फैसिलिटी है ना वो सारी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है, जैसे कि वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, पे एंड यूज टॉयलेट्स, समझ गए, जन आहार, और कोई भी ऑफिशियल से अगर आपको बात करनी है तो वो सब सब आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ दोस्तों मैं, तो यहाँ पे वेटिंग हॉल अवेलेबल है थोड़ी सी आगे आकर के, नॉर्मल वेटिंग हॉल जो होते हैं, और यहीं पे ही क्लॉक रूम भी अवेलेबल है सामने की तरफ, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको स्टे करना है तो सबसे बढ़िया जगह है रिटायरिंग रूम, यहाँ पे प्राइवेट वाले अवेलेबल है। ये अमेजोन के पार्सल सारे जो मैंने आपको दिखाए थे सुबह, ये दोस्तों बाबाई गुवाहाटी, और यहाँ खड़ा हुआ है मालदा का WDM3A, और ये स्पैड खड़ी हुई है, सेल्फ प्रोफाइल्ड एक्सीडेंट रिलीफ वैन गुवाहाटी बिजली भवन। अच्छा बिजली भवन उसको लिखा हुआ है बिजुली, मुझे लगा किसी का नाम है बिजुली। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए कामाख्या स्टेशन, 12:20 पे वहाँ से चली, 15 मिनट के अंदर कामाख्या पहुंच गई। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो मेन सवारी है, इस ट्रेन की जो मेन लोग हैं वो सारे इसी स्टेशन से जो है चढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग अपने रास्ते डाइवर्ट कर देंगे टूवर्ड्स बोंगिया गाँव जंक्शन, और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि यहाँ से लेके आनंद विहार के बीच में चलती है, उसके साथ पैरेलल एक्शन मिलने के चांसेस हैं, 1 मिनट का डिफरेंस है दोनों के डिपार्चर में, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम 1 नंबर पर खड़े हैं, 3 नंबर पे नॉर्थ ईस्ट खड़ी हुई है, देखते हैं उसके बाद। ये जो सामने जो ट्रेन खड़ी हुई है, मतलब कि अब शैडो में आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे सामने आनंद विहार कामाख्या, मुझे मेरे घर लेके जा सकती है ये ट्रेन, बट मैं जो है काफ़ी घूम फिर के अपने घर जाऊँगा, सीधा सीधा नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। दोस्तों ये खड़ी सामने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, बट इसका डिपार्चर जो है 12:40 का है, तो हमें अभी तक तो जो है निकाला नहीं है, मतलब उसको अभी तक निकाला नहीं है। WAP 7, अच्छा उसको भी दे दिया निकलने का, देखो गार्ड सिग्नल एक्सचेंज मांग रहा है, एक्चुअली सिग्नल भी आया हुआ इस ट्रेन, निकाल लेता यार हमारे साथ, थोड़ा देर को देखते हुए चले जाते।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने अपना लंच जो है पेंट्री से ही ऑर्डर करा है, तो हमारा लंच जो है यहाँ पे आ चुका है, जिस जो कि है 120 रुपये पर पर्सन, और इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है, बट काफ़ी टेस्टी था। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, पहले पैसे दे देते हैं भैया को। तो ये जो है दोस्तों अपना खाना है, फटाफट से इसको जो है ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में देख लेते हैं क्या है, खुल जा भाई थोड़ा ध्यान से। ओके, तो इसमें आलू की कोई सब्जी है, वैसे ये मुझे भुजिया टाइप लग रहा है, जैसे आलू की भुजिया चलती है ना बिहारी क्यूजीन में, वैसे तो आलू की सब्जी सी है एक। नीचे जो है दोस्तों ये साथ में एक्स्ट्रा राइस है, जिसके इसने हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हैं, तो ये एक्स्ट्रा राइस है। यहाँ रोटी वगैरह जो है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो वो एक थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको राइस ही खाने हैं, राइस ही मिलेंगे खाने को हर जगह। ठीक है, और ये नीचे जो बड़ी वाली प्लेट सी है, इसके अंदर आपको जो है राइस एंड दाल वगैरह मिलनी चाहिए। एक बार वो भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, काफ़ी बड़ा है, खोलने में जो है टाइम लग रहा है। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। ओके, तो खुल जा सिम सिम। तो इसमें जो है दोस्तों दाल है और कोई आलू घिया की सब्जी है साथ में, और ढेर सारे चावल हैं। यही है दोस्तों खाने के लिए, पर खाना टेस्टी था, मज़ा आया खा करके यार। तो दोस्तों अभी हम लोग एक स्टेशन स्किप कर रहे हैं, काफ़ी धीमी रफ्तार में, बिकॉज यहाँ 30 का TSR लगा हुआ है, मैंने जैसा कि आपको पीछे भी दिखाया था। तो स्टेशन का जो नाम है वो है जोगी घोपा घोपा। वैसे दोस्तों हम लोग मेन लाइन पे खड़े हुए हैं, तो कोई क्रॉसिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, और ये वाली जो लाइन है ये तो अभी चालू ही नहीं है, इस पर तो अभी काम चल रहा है। सो ऑल दो हम बिफोर भी चल रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए भी खड़ा कर दिया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं न्यू बोंगाई जंक्शन, और गाड़ी कुछ मिनट लेट, मतलब वहीं जो लाइन का काम चला इस कारण थोड़ी बहुत लेट हो गई, बाकी तो बढ़िया चल रही थी और बहुत ही बढ़िया रन दिया। इसके आगे डबल लाइन सेक्शन है सारा का सारा, और अगला स्टेशन कौन सा है, न्यू अलीपुर द्वार। ये है न्यू बोंगाई जंक्शन, निकल से अब डबल लाइन है, बाकी देखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ जो है चढ़ी है ट्रेन के अंदर, और इसमें EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है, और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किस लिए कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा समझ में आया, बिकॉज इतना प्यारा सेक्शन है, बट वही है कि लोकोमोटिव तो धुआं फेंक रहा है, वो धुआं फील हो रहा है। 17 डब्बे दूर खड़े हैं हम लोग, लेकिन स्टिल वो धुआं मैं फील कर पा रहा हूँ।
निकलते हैं यहाँ से, इसका डिपार्चर दिखाता हूँ आपको और फिर देखते हैं अलीपुर द्वार आपको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं और अभी हो रहे हैं 3:37, थोड़ी सी ट्रेन जो है डिले है, आपको डिपार्चर दिखाते हैं। वहाँ एक वेब 7 भी खड़ा हुआ है साइड में। अरे वाह क्या सीन है, न्यू अलीपुर द्वार, एक है अलीपुर द्वार। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं न्यू अलीपुर द्वार और मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी है सियालदह अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार से सियालदह के बीच में चलने वाली ट्रेन। और हम लोग देखो यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म का गैप बहुत बड़ा है और बाकी इसके बाद दो दो तीन तीन छोटे से स्टेशन पड़ेंगे, सबका नाम ही न्यू न्यू करके है और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है निकल लिए न्यू अलीपुर द्वार से, इसके बाद 3 स्टेशन पड़ेंगे, एक को स्किप करेंगे हम, एक न्यू बानेश्वर करके है, फिर सीधा न्यू कोच बिहार है NCB। ठीक है आओ दिखाते हैं डिपार्चर आप।
तो दोस्तों हमारी ट्रेन को जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा दिया गया है न्यू कोच बिहार, और 17:10 हो रहे हैं, यानी कि 5:10 हो रहे हैं। काफ़ी भीड़ उतरी है यहाँ से, और मैंने कहीं पढ़ा था कि इस ट्रेन का जो है लोकोमोटिव यहाँ से चेंज किया जाता है, और जो AMD लगा हुआ है यानी कि डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है उसको हटा करके अब एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 पॉसिबली इसमें लगा जोड़ दिया जाएगा। वो देखते हैं होता है नहीं होता, बाकी तो आपको पता ही है मज़ेदार सफ़र कट रहा है। और मतलब खूबसूरती तो अलग ही तरीके की दिख रही है यार, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है जिस तरीके की खूबसूरती दिख रही है। दोस्तों ये पावर होती है WAP-7 लोकोमोटिव की, प्लेटफॉर्म इसने इतनी तेज़ी से स्किप करवाया, द मोमेंट इसको लाइन चेंज करनी थी उसी वक्त इसने स्पीड डाउन कर ली अपनी, और बस प्लेटफॉर्म ऐसे स्किप कर रहे थे हम लोग, या प्लेटफॉर्म से ऐसे डिपार्चर ले रहे थे ऐसे मेन लाइन से निकल रहे थे, बट बाद में तो एकदम से धीरे करके हम शरद तो तो दोस्तों अभी हम लोग जो है स्किप कर रहे हैं न्यू मायनागुड़ी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर रेलवे हादसा हुआ था जिसमें एक इंजन की ट्रैक्शन मोटर ही जो है निकल के गिर जाती है बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस, और उसी हादसे के जो अवशेष थे जो डिब्बे डिरेल हुए थे वो आप साइड में यहाँ पे पड़े हुए देख सकते हैं, यही वो डिब्बे हैं, अभी तक इनको जो है उठाया नहीं गया है। सच में ये मंज़र बहुत दर्दनाक है देखने में अपने आप, मतलब डिब्बों की ऐसी हालत देख करके
इतने करीब से ऐसे डब्बे देख के सच में डर भी बहुत लगता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है पहुँच रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है हमारी पूरी यात्रा का। और यहाँ से हम जो है थोड़ा डिनर वगैरह लेते हैं, जो कि हमने डिसाइड किया कि पेंट्री से ही लेना बेटर रहेगा, यहाँ से लेना बेटर नहीं रहेगा। खैर मैं आपको उससे पहले अराइवल दिखाता हूँ। जब मैं हम जा रहा था गुवाहाटी, तो एक सौ तो मेरी लड़ाई हो गई थी इनमें से, ये सामान बेचने वाले जो होते हैं। कुल्फी दे के गया, 30 रुपए की कुल्फी और कड़वी कुल्फी। चल गया कड़वी कड़वी। हाँ अभी आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से नज़ारा कैसे बदल गया है, मैं किस ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। सामने एक ट्रेन खड़ी हुई थी, हम लोग NJP पहुँच चुके हैं, तो हमारी ट्रेन जो है वहाँ सामने खड़ी हुई है और 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। 10 मिनट थोड़ा सा घूमेंगे, कुछ भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह देखेंगे। वैसे तो यहाँ पे सारे के सारे जो अनऑथराइज्ड वेंडर होते हैं उनका कब्जा होता है इस इलाके पे। आपने अराइवल के टाइम पे देखा ही था, उन्होंने कितना रौला काट रखा था। चलिए अब उन लोगों से खाने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत घटिया क्वालिटी बेचते हैं हमको पता ही है, और पेंट्री कार वाले भी उनसे परेशान हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये लोग हमें मारते हैं अगर इन लोगों को अपोज किया जाए। तो हाँ, रेलवे को कुछ नेसेसरी एक्शन तो लेना चाहिए उन लोगों को रोकने के लिए, या उनको रेगुलराइज करना चाहिए। हैं कहाँ चले? अजीतो मोरो। कहाँ है हमारा अजीतो मोरो? तो दोस्तों हम लोग यहाँ NJP स्टेशन से भी जो है निकल चले हैं, और कुछ खास ऑप्शन ना मिलने के कारण हमने जो है डिसाइड करते हैं कि हम खाना जो है पेंट्री कार से खाएंगे, क्योंकि स्टेशन पे जो क्वालिटी मिल रही है वो बहुत वाहियात क्वालिटी है, बिल्कुल नहीं खा सकते। तो हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं जो लोकल वेंडर होते हैं उनसे, बट मैं आपको डिपार्चर के बाद दिखाता हूँ। दार्जिलिंग मील, जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। आराम से बैठना फिर, आपको आराम से बैठना फिर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हम बैठेंगे थोड़ी, अब हम भी अपना काम करेंगे। हाँ डिनर लगा रहे हो? कितने रुपये लगाओगे डिनर? कब तक लगाओगे डिनर? तो दोस्तों ये जो है हमारा कुछ स्नैक्स हमने जो है लिए थे, जो कि है लाल चा और दाल के पकौड़े से। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, ये इतने वाहियात हैं कि हमारे पूरे पैसे बर्बाद हो गए, और बस एक छोटी सी बाइट खाने के बाद ये पूरा मैंने जो है उठा करके बाहर फेंका है, ठीक है, एकदम कचरा क्वालिटी, बिल्कुल मत खाना। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं किशनगंज जंक्शन, और इस हमने जो है पेंट्री से डिनर लेकर के खाया था, डिनर काफ़ी टेस्टी था। अब क्योंकि NJP पे कुछ खाने पे भी नहीं मिला था और भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैं वीडियो वगैरह कुछ भी शूट करने ही भूल गया उसके बारे में। जनरल की तरफ जाती हुई भीड़ देख सकते हो, सब जनरल की तरफ भागने वाली भीड़ है, इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इस ट्रेन के जनरल डिब्बों के अंदर क्या हाल होता होगा। दोस्तों लगता है साइड के नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है रात के 9 बजे पहुंच चुके हैं किशनगंज जंक्शन, और जो खाना था वो काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब दोपहर के कंपैरिजन में तो काफ़ी बढ़िया था। अभी अंदर चलते हैं सोते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अब सोना ही है यार। इसके बाद मालदा टाउन आपको 11:30 बजे आएगा, वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सीधा सुबह बर्धमान वगैरह ही लेंगे। और खाना बेटर था, अगर आप इस टूर पर कभी भी ट्रैवल करो ना, तो जो वेंडर्स होते हैं ना आउटसाइड वेंडर्स, उनसे अवॉइड करो खाना वगैरह लेना। क्यों? यूनियन वगैरह चलती तो है, बट खाना बड़ा बेकार क्वालिटी का देते हैं वो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बड़ी बेकार क्वालिटी का खाना देते हैं। डिपार्चर लेते हैं किशनगंज से, रात के 9 बज चुके हैं और 48 मिनट डिले जो थी वो तो काम है, लेते हैं थोड़ा सा, हो गया टाइम ट्रेन का निकलने का। बिहार में आ रहे हो ना? हाँ बिहार में।
उस हिसाब से भी तो यहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों रात को एक अच्छी सी नींद लेने के बाद सुबह मेरी आँख खुलती है बर्धमान जंक्शन पे, तो जहाँ से हमारी ट्रेन जो है डिपार्चर ले रही होती है, सामने मेरे आकर के खड़ी हो दोस्तों जयनगर सियालदा जो कि हॉल्ट ले रही है और हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं। अब दोस्तों अंधेरा होने के बावजूद मैं सोचता हूँ कि जो बर्धमान के आगे हमारा सेक्शन है वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेशन के स्किप वगैरह रिकॉर्ड करूँगा, बट स्टेशनों पे इतना अंधेरा था कि कुछ खास नहीं कर पाए हम रिकॉर्ड, बट स्टिल आप देखिए। तो दोस्तों थर्ड लाइन में डलने के बाद हम लोग यहाँ स्किप कर रहे हैं जनाई रोड नाम के एक स्टेशन को, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है कि ट्रेन कितनी जल्दी जो है पिक करती है स्पीड, मज़ा आ जाएगा।
ये दोस्तों हम लोग हावड़ा का जो कार शेड होता है उसको पार कर रहे हैं अभी, और एक लोकल जो है निकल करके सर्विस में आ रही है कार शेड में से निकल के, ये आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों इधर बगल के प्लेटफॉर्म पे समलेश्वरी एक्सप्रेस लगी हुई है जो कि हावड़ा से लेकर जगदलपुर के बीच में चलती है। ये है सुबह के 5:30 बजे का नज़ारा हावड़ा का। उतरते हैं ट्रेन से फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों स्केड्यूल टाइम पे ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है हावड़ा, और आज के दिन हमको जो है ओल्ड कॉम्प्लेक्स में नहीं न्यू कॉम्प्लेक्स में जो है लगाया गया है। टाइम पर पहुँच गई थी, एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा, बट टॉयलेट्स वगैरह काफ़ी बेकार रहे ट्रेन के हमारे। अब बाकी अंदर चलते हैं, वॉशरूम वगैरह तो भैया होटल पहुंच के ही जाएंगे, उससे पहले नहीं। तब तक मैं आगे चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं। बस दोस्तों हावड़ा में उतरने के बाद ना यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा खलती है। अब हमारी जो कोच पोजीशन थी वो 17 थी, तो हमें 17-18 डब्बे चल करके जो है बाहर निकलना पड़ेगा, उससे पहले आप निकल ही नहीं सकते। खलती भी क्या है, मतलब हाँ ये एक चीज़ है जो कि हर टर्मिनल स्टेशन की होती है दादी, है ना। कोई भी टर्मिनल स्टेशन हो, चाहे आप CST उतरें, चाहे आप चेन्नई सेंट्रल उतरें। तो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। काफ़ी अच्छा रन रहा, और हावड़ा का व्लॉग में मुझे यहीं आके एंड करने का मज़ा आता है जहाँ बिल्कुल वो टर्मिनल वाली चीज़ जो है दिखने लगती है, और 10 मिनट लग गए हमें यहाँ तक आने में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, अच्छी लगी जरूर से लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ट्रिप में।